दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे तरीके के बारे में जहाँ पर आप एक कॉलेज स्टूडेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हुए भी 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव बताएंगे जहां पर आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम अपने सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहां पर हम 7 यूनिक वेज के बारे में बात करने वाले हैं। लोग तो हर तरीके की बात करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कहीं कुछ, लेकिन हम उनको एक यूनिक तरीके से बता रहे हैं। बहुत सारे तरीके मेरे कुछ पर्सनल टेस्ट किए हुए हैं जो कि कुछ यूनिक कुछ हटके हैं जो सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन कम होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं उनमें और अपनी चीजें और अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो बहुत पॉपुलर होता है हर एक समय पे, ये होता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ये क्या चीज है, मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग समय के हिसाब से लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। Amazon, Flipkart, Myntra, ऐसे बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स में आपके लिए कौन सा अच्छा है, कोई जैसे कि दिवाली आ रही है तो दिवाली में आप डेकोरेटिव जो आपके बजट में हो और काफी अच्छा हो, काफी सुंदर लगे, कैसे मिले, तो ये चीजें लोग बहुत ज्यादा बल्क में सर्च करते हैं। आप इसका एक YouTube वीडियो बना सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप बना सकते हैं, WhatsApp पर लोगों को भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप Amazon के जो एफिलिएट होते हैं उसके थ्रू आप किसी को दोगे, किसी की हेल्प करोगे, उससे ये होगा कि आपको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। और जो सेकंड है वो काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा रेयर है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी नॉलेज लेकर इसमें इसको आप शुरुआत करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि कंपाउंडिंग यानी कि थोड़े समय बाद आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग ये नहीं कि सिर्फ आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, सिर्फ यही नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, इवन रियल इस्टेट्स में भी आप थोड़ा मोड़ा पैसा लगा सकते हो। अब इसके भी कुछ तरीके हैं, आप ऐसा नहीं कि आज आपने अकाउंट बनाया एक घंटे बाद आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये एक ट्रेडिशनल वे है। आपको क्या करना है, बहुत सारे यहाँ पर जो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग में आपको बेसिक से अच्छा खासा नॉलेज दे सकते हैं। आप देखेंगे तो 1-2 दिन में ही आप अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐप्स होते हैं, ब्रोकर्स ऐप होते हैं, जैसे ग्रो ऐप है, एंजल ब्रोकिंग है, अब स्टॉक्स काफी पॉपुलर हो रहा है, और एक जो मेरे को अभी पर्सनल मेरा फेवरेट हो गया वो है IND Money। ये IND Money का एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको ये भी बताएगा आपसे कुछ डिटेल्स लेने के बाद कि आपके लिए कौन सा स्टॉक्स बेस्ट रहेगा, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, मतलब आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दे देगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं। आप देखिए कुछ ऐप्स के हम रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके लिए, इससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, तो ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनिशियली आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप 100 से स्टार्ट करें। और जो थर्ड है वो है ऑनलाइन टीचिंग का। आपको पता है कि जब से कोविड का क्राइसिस हुआ तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी ऑनलाइन चल रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया टीचिंग में, जो कि फिजिकल ट्रेडिशनल टीचिंग थी उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। इसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि आप एक कोचिंग किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट, आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, 2-3 घंटे का टाइम मिलता है मुश्किल से, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें टीचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, आपको कहीं जाना भी नहीं है। अब फायदा इसका ये होगा कि आप देखेंगे कि तो फिजिकल में लोग 400-500 रुपए महीने का चार्ज करते हैं, राइट, करते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं उससे रुपए भी कम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को 100, 150, 200, 500, 1000 जैसे की पॉपुलरिटी बढ़ती जाएगी आप बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपने सिर्फ 300 रुपए ही चार्ज किए, 100 स्टूडेंट्स भी आपके पास हो गए तो आप 30,000 रुपए हो गए, मतलब मैं एक नॉर्मल सा केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स होंगे तो 15,000, मतलब इस तरीके से आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं, बल्कि 1-2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करनी है। रिकमेंड करूंगा मैं आपको टीचमेंट ऐप जो कि काफी पॉपुलर हुआ है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स ऑल अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं, आप उससे फी भी ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं उसी ऐप के थ्रू, और बहुत सारी असाइनमेंट टेक्स्ट पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, सब कुछ हो गया है, एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप ऐसी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, पर्सनल रिकमेंडेशन। आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कहने वाली बात यह है कि आप इन सभी चीज़ों को ट्राई कीजिए। होता क्या है कि हम सोचते रहते हैं कुछ ट्राई नहीं करते, तो क्या होता है चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। हो सकता है इन सातों में 2 चीज़ें आपके साथ ऐसी निकल जाएं जो आपके लिए बेस्ट हो जाएं,
एक चीज ऐसी जगह से आप बहुत सारा अर्न कर पाएं, तो आप ट्राई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सातों के सातों आपको एक बार ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये मैंने पर्सनल टेस्ट किए हैं, कहीं ना कहीं सातों से मैंने इनडायरेक्टली अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है। फोर्थ है इंस्टाग्राम रील्स। आपको खुद ही पता होगा कि इस समय पे इंस्टाग्राम रील्स काफी पॉपुलर हो रही है। इसको आप अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रांडिंग का एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं, राइट। मतलब उसमें क्या करेंगे, आप अपने पर्सनल फोटोज नहीं डालेंगे उसमें, क्या करेंगे किसी भी चीज के बारे में, कोई प्रोडक्ट हो गया, किसी कोई स्किल से आपकी फोटोग्राफी है, आपको पढ़ाना आता है, कुछ एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, जो भी आपकी स्किल्स है, छोटी मोटी भी स्किल्स है, कोई बात समय के साथ आप सीख जाएंगे, उसको आप डालना स्टार्ट कीजिए, उसकी रील्स बनाइए, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं आप, उसे 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। अब इससे क्या होगा कि रील्स काफी पॉपुलर होते हैं, एक समय के बाद आपके फॉलोवर्स होंगे, जब आपके फॉलोवर्स भी हो जाएंगे तो क्या होता है, ब्रांड्स आपको अप्रोच खुद ही करते हैं, आपको किसी बात जानने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा क्या हो रहा है कि लोग यूट्यूबर्स, जो यूट्यूबर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वो कई बार इंस्टाग्राम से उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब लाखों रुपए कई लोग अर्न कर रहे हैं इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से। जो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो कंपनीज होंगी, वो आपसे कहेंगे कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए, एक पोस्ट डाल दीजिए, स्टेटस डाल दीजिए, या फिर शॉर्ट्स वीडियो बना दीजिए, इससे हमारा प्रमोशन हो जाएगा, आपको हम XX अमाउंट पे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी लिटिल मेहनत में ही उनका भी फायदा हो जाएगा और आपका भी काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो फिफ्थ है वो है ऑनलाइन शॉप। जी हाँ, ट्रेडिशनल फिजिकल शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉप की बात कर रहा हूँ। आप एक क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगर फ्री वेबसाइट, डोमेन फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, गूगल का ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ब्लॉगर जैसी वेबसाइट में आप एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है, खुद भी सेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग साइट से प्रोडक्ट उसमें लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, जैसे कोई भी क्लिक करेगा तो आपके लिंक के थ्रू उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर पहुंच जाएगा, वो चेकआउट कर लेगा, बाकी सब कुछ उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर करना है, और जैसे वो क्लिक करके परचेस कर लेगा, आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। इसमें फायदा ये है कि आप चाहे तो इनिशियल बिना इन्वेस्टमेंट के अदर कंपनी प्रमोट कर सकते हैं, आपको लगे कि हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, तो आप खुद के प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेल कर सकते हो और पूरा का पूरा प्रॉफिट 100% खुद ही रख सकते हो। और जो सिक्स्थ है वो यहाँ पर है ई बुक का। जी हाँ, ई बुक का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। मतलब ई बुक आपको पता होगा कि अमेजोन का किंडल काफी फेमस हो रहा है, मतलब लोग क्या करते हैं फिजिकल बुक्स नहीं मंगा पाते, कई बार बहुत महंगी हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो एक बार एक अगर आपको लिखने का शौक है, आपको स्टोरीज लिखने का शौक है, किसी भी तरीके से मोटिवेशनल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकती है, तो आप उसकी बुक लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हाउ टू मेक, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, पब्लिश कर सकते हैं अमेजोन में। आप जितनी प्राइस रखेंगे, 50 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, आपको रखना हो उतना रख सकते, लोग परचेस करेंगे जैसे कि करते हैं अमेजोन में, और आपको उसका कमीशन मिलेगा। आगे जाके अगर बुक पॉपुलर होती है तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न इसका मिल सकता है। और जो लास्ट है वो भी सिक्स्थ पॉइंट से रिलेटेड है, सेवन्थ पॉइंट, वो है ऑडियो बुक्स। जी हाँ, ऑडियो बुक्स ई बुक्स से भी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि अभी लोगों के पास समय की काफी कमी है, लोग एक बुक को पढ़ने में जब समय लगाते हैं, सोचते हैं कि हम ऑडियो बुक को पढ़ लेंगे तो कम समय में हम उतने ही नॉलेज ले लेंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, कुकू ऐप हो गया, खबरी हो गया, दोनों हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ऐप्स हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऑडियो के थ्रू किसी भी बुक को या कोई भी स्टोरी को हम इस तरीके सुना सकते हैं जैसे लोगों को पसंद आए, आपको एक स्टोरी टेलिंग का एक आपके अंदर एक स्किल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म में ट्राई कर सकते हैं, अपनी बुक लीजिए, उसमें एक माइक लेके या मोबाइल के ही माइक्रोफोन से आप रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड कीजिए। अगर आप अच्छा खासा करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको हायर कर लेते हैं और अच्छा खासा अमाउंट भी आपको पे करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी यूनिक वेज पसंद आई होंगी, कौन सी आपकी अच्छी लगी, कौन सी फेवरेट लगी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप सातों के सातों ट्राई करके देखिए, हो सकता है कौन सी आपके लिए सबसे बेस्ट हो, कब आपके लिए बहुत सारा रिटर्न दे दे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन थैंक यू।